अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक से हो गए। आज मैं आपको अपनी सील मुर्गियों का सेटअप दिखाता हूँ जो हमने अभी न्यू बनाया है। कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए मुर्गों की खुडों की, और मुर्गी जहाँ पे बच्चे लेके आए वो कैसी जगह होनी चाहिए, मिट्टी कितनी होनी चाहिए, दूरी कितनी होनी चाहिए, पानी पीने वाली जगह, खाने वाली जगह कैसी होनी चाहिए। स्टॉक का ये देखें हमारा न्यू सेटअप और सील, आज हम आपको दिखाते हैं। ये देखें खुडों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तकरीबन में तकरीबन 3.5 फुट चौड़ा, और लंबाई जितनी मर्जी आप रख लें अपनी जगह के मुताबिक। ये देखें ऊपर भी, ये देखें इधर जरा मुर्गा छोड़ा हुआ था, उसने थोड़ा गंद मचाया हुआ है। ये देखें एक ये पट्टा है हमारे पास, ये देखें आपको मुर्गी यहाँ पे बच्चे लेके आती है वो जगह दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा ये मुर्गी नीचे बच्चे लेके बैठी हुई है, ये हमने मिट्टी छोड़ी हुई है सारी, ये हमने दूरी पे बिठाई हुई है मुर्गी। ये देखें खाने पीने की जगह, पानी की बोतल भी इधर साइड पे। गाइस वीडियो में इन दोनों को दिखाने का मकसद ये है कि हमने इनकी ब्लेड ली हुई है, अब आपको इसकी ब्लेड का पट्टा भी दिखाते हैं। पहले ये मुर्गियाँ चेक करें, ये देखिए इसके पंजे कैसे मुर्गे हैं, तंदुरुस्त मुर्गी माशाल्लाह ग्रे। ये देखें नाट मुर्गा, ये हमारा बड़ा मुर्गा, ये देखिए जोड़ देखे माशाल्लाह, पन्ने देखें इसे, ये देखें पंजे, ये देखें कंपनी चेक करें, ये देखें इसकी नलियाँ बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। ये देखें गाइस ये है मुर्गा, पकड़ा नहीं जा रहा है इस टाइम, कोड़ा हो गया है मुर्गा। ये इन दोनों की ब्लेड थी मछला, देखे पड़ों पे ग्रे रंग पड़ा हुआ है, खूबसूरत चीज है। अभी तो ये अंदर सिमट के बैठा हुआ है, हवा बहुत तेज चल रही है, आँख हो रही इसकी लड़ाती है। अगर आपको हमारे सील मुर्गियों का खुड्डा पसंद आया तो आप हमें बताएं, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको। हमने तो अपने माइंड के हिसाब से बनाया है, अब आपको पसंद आता है कि नहीं आता, लेकिन हमने तो बहुत मेहनत की है, इसमें काफ़ी पैसे लग गए हैं, मगर इतने ज़्यादा नहीं लगे, मैक्सिमम पैसे लग गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।